प्रिय शिक्षार्थियों, एनआईएस के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रविकांत, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार से आज आपके समक्ष खंड एक, इकाई एक की वैज्ञानिक सोच एवं अभिवृत्ति नामक शीर्षक पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए चर्चा शुरू करें। वर्तमान युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान ने संपूर्ण मानव जीवन को बदल दिया है। दिन प्रतिदिन होते नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण पर भी व्यापक प्रभाव डाला है। जहां पुरानी मान्यताएं अस्वीकृत हुई हैं, वहीं नवीन मान्यताओं ने जन्म लिया है। शिक्षार्थियों, अगर ये कहा जाए कि विज्ञान ने आज पूरा जीवन हमारा मानव जीवन बदल दिया है, तो ये गलत ना होगा। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक हम सभी विज्ञान के बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है या वैज्ञानिक सोच क्या है? वैज्ञानिक सोच मान्यताओं, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, विज्ञान के लाभ एवं प्रयोगों के प्रक्रियाओं को देखने का तरीका है। इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक सोच में वैज्ञानिक मान्यताएं, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, विज्ञान के लाभ, उनके प्रयोग और इन सब में जो प्रक्रियाएँ हमारी उपस्थित हैं उनको हम देखते हैं, तब हम बोलते हैं कि एक वैज्ञानिक सोच है या दृष्टिकोण होता है। वैज्ञानिक सोच को कथन कारण के सिद्धांत के चिंतन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों, यहाँ ये बता देना बहुत आवश्यक है कि विज्ञान कथन और कारण के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, कथन और कारण का सिद्धांत, इसका अर्थ कथन का कोई ना कोई कारण होगा और किसी कारण के, यानी कि अगर कोई कारण है हमारे पास तो उसके पीछे कोई ना कथन अवश्य होगा। यानी कि ये कथन और कारण सिद्धांत जो है, ये हमारा विज्ञान का जो है वो एक, जिसको हम समझें, नींव है, ये इसी पर आधारित है। दैनिक जीवन की क्रियाओं, वैज्ञानिक नियमों के प्रशिक्षण करना और उनका सामान्यीकरण करना भी वैज्ञानिक सोच का एक लक्षण है। यानी कि दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हमारी, जो आसपास घटित हो रही हैं, जो हमारी प्राकृतिक क्रियाएँ हैं, ये भी शामिल हैं इसमें, उसमें वैज्ञानिक नियमों को देखना और उनका सामान्यीकरण करना, यानी उनके बारे में सोचना कि ये क्यों हैं, कैसे हैं और एक निष्कर्ष पर पहुँचना, ये भी एक वैज्ञानिक सोच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। अब वैज्ञानिक सोच जो है वो के प्रकार क्या हैं? तो वैज्ञानिक सोच के निम्नलिखित तीन मार्ग या दर्शन हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुभववाद, दूसरा है वैज्ञानिक संदेहवाद, तीसरा है तर्कवाद या बुद्धिवाद। अब चर्चा करेंगे सबसे पहले अनुभववाद। अनुभववाद के प्रमुख समर्थक हॉक, बर्कले, हॉम तथा हार्टले हैं। अनुभववाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें इंद्रियों को ज्ञान का माध्यम माना जाता है। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, अनुभववाद यानी कि वह वाद जो अनुभव आधारित है, इसमें जो सबसे मुख्य स्थान दिया गया है वो इंद्रियों को दिया गया है। इंद्रियों का ज्ञान जो है वो सर्वप्रथम है, इसलिए अनुभववाद जो है वो इंद्रियों के ज्ञान पर आधारित है। अनुभववाद इस सिद्धांत पर बल देता है कि जो कुछ अनुभव से प्राप्त होता है वह ही सत्य है। यानी कि जो कुछ हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं वही सारा ज्ञान हमारे लिए सत्य होगा। कालांतर में इंद्रियों के साथ साथ वैज्ञानिक उपकरणों से प्राप्त अनुभवों को भी अनुभववाद ने स्वीकार किया है। यानी कि इसका अर्थ यह है शिक्षार्थियों कि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर हमारी इंद्रियां संवेदनशील नहीं हो पाती हैं, या तो वो बहुत सूक्ष्म हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा वृद्ध या बड़ी हैं, तो उन परिस्थितियों में वैज्ञानिक उपकरणों से भी जो हमको अनुभव हो रहे हैं वह भी अनुभववाद के अंतर्गत स्वीकृत किए जाएंगे। अब अनुभववाद का जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है, इसमें है सबसे पहले अवलोकन, परिकल्पना का विकास करना। यानी कि सबसे पहले आप देखिए, जो हमारी परिस्थिति है उसको देखिए, उसको अवलोकित कीजिए और परिकल्पना को विकसित कीजिए। परिकल्पना का मतलब होता है कि हम एक वाक्य बनाते हैं, एक उद्घोषणा बनाते हैं पहले से, जिसको कि हमको परीक्षित करना होता है। इसका जो अगला चरण है वह है आगमन, परिकल्पना का निर्माण करना। यहाँ पर हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, संबंधित जो परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न है, समस्या उत्पन्न है, उसके समाधान के लिए हमें परिकल्पना का निर्माण करना है और उससे संबंधित परिकल्पना का निर्माण इसी चरण पर किया जाता है। इसके बाद निगमन, परिकल्पना के अनुभवों पर परीक्षणों का प्रयोग, यानी कि जो परिकल्पना हमने बनाई है उसको हम परीक्षित करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे और उस परीक्षण को करते रहेंगे जिससे कि हम उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, कुछ हमें आंकड़े प्राप्त हो सकें। अनुभववाद के अगले चरण में जो है वह है परीक्षण, नए अनुभवों पर परीक्षण करना। यानी कि अब हमारे पास जो पिछले जो चरण से हमको अनुभव प्राप्त हुए हैं उसमें हम नए अनुभव
उसमें सम्मिलित करेंगे और उनका फिर से परीक्षण करेंगे। अगले चरण में होगा मूल्यांकन, परीक्षण परिणामों का मूल्यांकन, यानी कि जो हमें अभी परीक्षण से प्रमाण मिले हैं उन सबका हम यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे और उनको बहुत ही सामान्य अर्थों में हम लिखेंगे जिससे कि वो सामान्य जन के कार्य आ सकें। अगला जो हमारा एक दर्शन है वह है वैज्ञानिक संदेहवाद। गैलीलियो का योगदान संदेहवाद के विकास के लिए याद किया जाता है। एक स्थापित दर्शन के रूप में संदेहवाद किसी स्थापित प्रक्रिया, ज्ञान या मान्यता में संदेह को प्रोत्साहित करता है। संदेहवाद, संदेह का मतलब है किसी भी प्रक्रिया में, वस्तु में, मान्यता में, विश्वास में शंका को प्रदर्शित करना। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो वाद है विज्ञान का कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये प्रक्रिया क्यों हुई। जैसे कि मैं एक बहुत आसान से उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि जब न्यूटन के सिर पर सेब गिरा तो उसके मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। ये संदेहवाद है और इसी संदेह को जानने के लिए न्यूटन ने एक जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की वो इसी का परिणाम था। इसलिए संदेहवाद जो है वो भी एक वैज्ञानिक जो हमारा शिक्षण है, विज्ञान शिक्षण है, वो एक महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में उसमें भी स्थापित है। यहाँ स्पष्ट रहे कि संदेहवाद किसी प्रकार के विरोध की प्रक्रिया ना होकर उन स्थापित मान्यताओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया है जिनका कोई आनुभाविक प्रमाण उपलब्ध ना हो। इसका अर्थ यह है कि संदेहवाद विरोध नहीं करना है, किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना है, हमें सिर्फ उसका पुनर्मूल्यांकन करना है। और पुनर्मूल्यांकन भी क्यों किया जाए, क्योंकि उसके कोई आनुभाविक प्रमाण पहले से उपलब्ध हमारे पास नहीं है। तो किसी स्थापित मान्यताओं का विरोध करना संदेहवाद नहीं है, उस स्थापित मान्यताओं को पुनर्मूल्यांकित करना ये संदेहवाद है। इसलिए यह ध्यान रहे कि संदेहवाद किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। अगला जो हमारा दर्शन है वह है तर्कवाद या बुद्धिवाद। बुद्धिवाद या तर्कवाद बुद्धि के उपयोग एवं विकास को इंगित करता है। बुद्धिजीवियों ने तथा बुद्धि से संबंधित कार्यों को विशेष देने की क्रिया को बुद्धिवाद कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि का प्रयोग, देखिए मानव जो है उसको प्रकृति ने बुद्धि दी है, उसको एक विवेक दिया है, जिस विवेक का प्रयोग करके वो आज सफलता के चरम पर है। इसलिए ये वाद यह कहता है कि बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको महत्व दिया जाए और वही व्यक्ति बुद्धिवादी कहलाएंगे जो बुद्धिवाद से संबंधित कार्यों को महत्व देंगे। तो इस तरह से ये तीसरा है हमारा। बुद्धिवाद एक ऐसी प्रणाली भी है जो तार्किक शक्ति के साथ सत्य की अंतिम परीक्षा करती है। सामान्य अर्थों में ये कहा जा सकता है कि बुद्धिवाद या तर्कवाद वैज्ञानिक तरीके से तर्कों का प्रयोग करने के निष्कर्ष पर पहुंचने का मार्ग है। यानी कि बुद्धिवाद में हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तरीकों के जो तर्क हैं उनका प्रयोग करते हैं और उसी के आधार पर हम निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। इस जो हम आज चर्चा कर रहे हैं इसका एक जो दूसरा आयाम है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूलतः एक ऐसी मनोवृत्ति या सोच है जिसका मूल आधार किसी भी घटना की पृष्ठभूमि में उपस्थित कार्यकरण को जानने की प्रवृत्ति है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करती है तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शर्त है कि बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास ना करना या उपस्थित प्रमाण के अनुसार ही किसी बात पर विश्वास करना। शिक्षार्थियों ये बता देना यहाँ आवश्यक है कि विज्ञान का जो सबसे प्रथम उद्देश्य है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की अंधविश्वास आज भी व्याप्त हैं और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके समाधान में, उनको नष्ट करने में बहुत सहायक है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम विज्ञान को आत्मसात करें। अब हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लक्षण। सामान्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानने से पहले जानने को प्रोत्साहित करता है। इसका अर्थ ये है कि आप मानिए नहीं, पहले उसको जानिए उसके बाद मानिए। क्योंकि अगर आप पहले से उसको मानने लगेंगे बिना जाने तो हो सकता है कि ये अंधविश्वास की श्रेणी में आ जाए। लेकिन विज्ञान कहता है कि पहले जानिए उसके बाद उसको मानिए। इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जिज्ञासा। इसका मतलब है कि आपके अंदर जिज्ञासा हो, आपने कोई घटना देखी, कोई प्रक्रिया देखी, वो चाहे प्रकृति में घटित हो रही हो या आसपास के घटित आपके आसपास के माहौल में घटित हो रही हो, तो सबसे पहले आपके मन में एक जिज्ञासा आई, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जिज्ञासा के लक्षण हैं। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो लक्षण है वह है जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो आप उसको ऐसे ही मानते रहेंगे और अंधविश्वासों को जो प्रोत्साहन मिलता है वो
इसी जिज्ञासा की अनुपस्थिति की वजह से मिलता है कि हम उसको जानते नहीं हैं। इसलिए जिज्ञासा सबसे पहला दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है वह है निष्पक्षता। शिक्षार्थी, इसका अर्थ यह है कि हम जब जिज्ञासा हमारे मन में आ गई तब किसी भी तरह की निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए। हम उसको सपोर्ट ना करें, हम उसका विरोध भी ना करें, हम उसका समर्थन भी ना करें, हम निष्पक्ष होकर उसकी जाँच करें। और ये निष्पक्षता वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए बहुत आवश्यक है। अगली जो हमारी इसकी जो अगला लक्षण है वह है मुक्त या खुली मानसिकता। इसका अर्थ यह है कि आप जब किसी प्रक्रिया के प्रति संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, आप किसी प्रक्रिया की के लिए आपके मन में जिज्ञासा है, तो हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार के विरोध या किसी भी प्रकार की असहज स्थिति का सामना करना पड़े। तो उसके लिए आपकी खुली मानसिकता का होना, मुक्त मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी प्रकार के सुझाव उस प्रक्रिया के बारे में आपको मिल रहे हैं उनको आप स्वीकृत करें। इसलिए मुक्त या खुली मानसिकता का होना वैज्ञानिक प्रक्रिया में या वैज्ञानिक सोच को विकसित करने में बहुत आवश्यक है। दृढ़ संकल्प, अंत तक जब तक कि हम उस खास प्रक्रिया या जिस भी चीज़ में हमने संदेह व्यक्त किया है उसको अंत तक उसके परिणामों को ना खोज लें, तब तक हमको दृढ़ संकल्पित रहना पड़ेगा कि हर हालत में हमको उसको निष्कर्ष तक पहुँचना है। अगला जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो लक्षण है वह है नम्रता। शिक्षार्थियों, ये तो एक सामाजिक लक्षण भी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी ज्ञान के सृजन के लिए हमको नम्र होना, नम्रता का होना हमारे पास बहुत ही आवश्यक है। अगला जो लक्षण है इसका वह है संदेहवाद। संदेहवाद, जैसा कि अभी आपको पहले भी मैंने बताया कि हमको संदेहवाद यानी कि संदेह रखना होगा। हम चीज़ों को ऐसे ही ना मान लें, हम चीज़ों के प्रति संदेह उत्पन्न करें और वो संदेह ही हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए संदेहवाद जो है वह भी इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए एक आधार उत्पन्न कराता है। अगला लक्षण जो है वह है बौद्धिक ईमानदारी आदि। बौद्धिक ईमानदारी का यहाँ अर्थ यह है कि मान लीजिए आपने किसी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए या किसी भी तरह की वैज्ञानिक गतिविधि के लिए कोई कार्य करना प्रारंभ किया है, तो ऐसा ना हो कि आप उसमें तथ्यों को छुपाएँ या तथ्यों में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करें या उसमें कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करें। आपको यहाँ बौद्धिक ईमानदारी का परिचय देना है कि जो भी निष्कर्ष हमको मिलेंगे, जो भी तथ्य हमको मिलेंगे, हम जिसके प्रति संदेह उत्पन्न कर रहे हैं उसमें हमको अपनी पूरी बौद्धिक ईमानदारी का वहाँ पर दिखाना है। अंधविश्वास एवं अज्ञान मुक्त समाज के निर्माण के लिए शिक्षा का प्रसार महत्वपूर्ण है। सरकार सदैव शिक्षा के प्रसार पर जोर देती रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय समय पर समाज में व्याप्त अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए शिक्षकों से आह्वान किया है। आधुनिक समय में नई प्रौद्योगिकी जैसे उपग्रह के माध्यम से शिक्षा के प्रसार में तेजी लाई जा सकती है। समाज में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी यह है कि हम शिक्षा का प्रसार कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और अधिक से अधिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग शिक्षा में करें। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, आपने देखा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास विज्ञान शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शिक्षण की सहायता से हम बहुत ही सुविधा तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से हम अपने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं, जिससे कि वो समाज में और देश में देश के हित के लिए कार्य कर सकें। धन्यवाद।